नमस्कार। तो आज रविवार है और रविवार को होती है हमारी संडे डिबेट, और संडे डिबेट में आज इसलिए आए हैं क्योंकि कल आखिरी रण का मतदान होना है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की बात करें तो इस वक्त सियासी मेला लगा हुआ है। सियासी मेले का जो आखिरी तंबू है वो कल उखड़ जाएगा, क्योंकि उस तंबू के अंदर कल आखिरी बार मतदान हो जाएगा। मतदान होने के बाद, तंबू उखड़ने के बाद, ये तंबू जो लगे थे 7 दिन तक, इन तंबुओं ने क्या रिजल्ट दिया, किस पार्टी किस दल के, अब किस दल की सरकार बनेगी, किस दल की तरफ लोग झुके, किस दल की तरफ लोगों का मत रहा, लोगों के मन में किस दल के प्रति प्रेम रहा, किस दल के प्रति अगले 5 वर्ष का जो भविष्य है वो उनके हाथों में देने जा रहे हैं, इस सब को लेकर अब 10 मार्च को परिणाम आ जाएगा। लेकिन कल 7 मार्च है और कल होना आखिरी चरण का मतदान है। आखिरी चरण के मतदान में क्या कुछ होगा ये ठीक है, लेकिन ये आखिरी चरण का मतदान इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आवश्यक है जानना, और इसलिए आज ये डिबेट रखी गई रविवार को भी, कि ये समझना बेहद आवश्यक है कि क्या चुनाव जो है वो आखिरी चरण तक आया है, या फिर इससे पहले ही कोई गठबंधन या कोई दल जो है पहले ही मेजोरिटी की जो ताली है बजा चुका है और जो ताला है उसमें चाबी लगा चुका है, मतलब पूर्ण बहुमत प्राप्त कर चुका है, या फिर अभी तक चुनाव खींचेगा। मसलन मायावती की जब सरकार बनी थी 2007 में, तब चुनाव आखिरी चरण तक खींचा था। अखिलेश यादव की जब सरकार बनी, जब समाजवादी पार्टी की 2012 में बनी, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, तब भी चुनाव आखिरी चरण तक खींचा। ये 2017 में चमत्कार हुआ था कि चुनाव 5वें चरण तक ही क्लियर हो गया था और ताला कुंडी चाबी सब लग गई थी। तो इसी को लेकर बातचीत करेंगे, इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ेंगे और मेहमानों से हम आपका तारुफ कराएंगे, मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। तो सबसे पहली बात जो मैं आपको बता रहा था वो यही है कि किस तरीके से अब जो चुनाव है वो आखिरी चरण पर आ चुका है और आखिरी चरण के बाद 10 मार्च को रिजल्ट आएगा। सीधे गेस्टों पर चलेंगे, हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़े हुए हैं, हमने मेहमानों से आपका तारुफ कराएंगे, मेहमानों से आपकी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बात करूंगा कि किस तरीके से हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। आखिरी चरण का मतदान है, आखिरी रण है। पहले विजुअल्स पर आएंगे, विजुअल्स लीजिएगा पहले साथ, पहले विजुअल्स पर आएंगे और विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे कि आखिरी चरण का जो मतदान है इसमें किस तरीके से जो माहौल है पूरा बना हुआ है। ये उत्तर प्रदेश की इस वक्त की हालिया तस्वीरें हैं जो दिखाती हैं कि मेला जो है वो कैसा लगा हुआ है, सियासी मेला। तो ये सियासी मेले की तस्वीरें हैं जहां पर आखिरी रण 7वां चरण चुनाव जो है वो चल रहा है, और इस चुनाव के चलने में जो आखिरी तंबू है जो कल लगा हुआ है वो कल शाम के 6 बजे हटा दिया जाएगा और इसके बाद फाइनल हो जाएगा कि आखिर 10 मार्च को क्या फाइनल होना है। तो 10 मार्च को जो फाइनल होगा उसका आखिरी इम्तिहान कल और है, लेकिन क्या कल सच में इम्तिहान है या कुछ पार्टियां ऐसे आश्वस्त हैं कि उनको साफ पता है कि कल दरअसल कुछ है ही नहीं। तो ऐसे में हमारे साथ हमारे मेहमानों पर अब सीधा चलेंगे, हमारे मेहमानों की ओर रुख करेंगे। संजीव चौधरी साहब है हमारे साथ, समाजवादी पार्टी से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। विपिन शर्मा जी है, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। और आई सिंह भदौरिया साहब है, आप बीजेपी से हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। भूदेव शर्मा साहब है, कांग्रेस से हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आई सिंह भदौरिया साहब आप ही से शुरुआत करेंगे। भदौरिया साहब, 2017 में एक चमत्कार की मैं भी बात कर रहा था कि 2017 में ही ऐसा हुआ है कि 5वें चरण तक ही क्लियर हो गया था कि एक पार्टी जो है वो मेजोरिटी में जा रही है। इससे पहले जब मायावती जी की सरकार बनी, इससे पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, तो 7वें चरण तक खिंचता रहा। लेकिन इस बार अगर मंच से, भाषणों से, माइक से, रैलियों से अगर हम सुनते हैं तो आप भी कह रहे हैं और आपकी जो विरोधी पार्टी है वो भी कह रही है कि मेजोरिटी तो मिल चुकी है, मेजोरिटी में तो हम बना चुके हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो कल का जो मतदान होना है वो दरअसल थोड़ा सा एड ऑन करने के लिए होना है कि ठीक है मेजोरिटी तो हो चुकी है, बस थोड़ी सी सीटें और बढ़ा लें, तो कल का चुनाव क्या है सर, या भी फंसेगा? बिल्कुल, आपने देखा होगा जिस तरह से हमारी डबल इंजन की सरकार ने 5 साल जो कार्य किए हैं, जो उत्तर प्रदेश में विकास किया है, आम जनता से हम जुड़े हैं, जनता के सुख दुख में हम साथ रहे हैं, जिस तरह से हमने वहाँ उत्तर प्रदेश स्कूलों के ज्ञान दिखाए, नए हवाई अड्डे बना के दिए, नए एम्स बना के दिए, नए मेडिकल कॉलेज बना के दिए हैं,
आम जनता को कहीं परेशानी ना हो जाए कोरोना काल में, उसके लिए लगातार 2 साल से फ्री ऑफ प्रोडक्ट खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। हमारे जो है ना विकास इन्हीं को लेकर मैं जनता के बीच में गया हूँ और जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद दिया है, कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो इसलिए 5 में चरण रही तक आपका कहना बिल्कुल सत्य है कि 5 में चरण तक रही क्लियर हो चुका है। हमें हम बिल्कुल आश्वस्त है कि हमें हम पर जीत हो रही है, हम पिछला भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अपनी बार में। तो आप निश्चित रहे, हम काम के ऊपर वोट मांगते हैं। हमारे नेता प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने एक नारा दिया है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। हम उसको लेकर जनता के बीच में गए थे। हमने 45 लाख गरीब जनता को मकान बना के दिए, उसमें जात पंथ मजहब नहीं देखा था। जब हमने खाद्यान्न बंटवाया है तो उसमें जात पंथ मजहब नहीं देखा है। और ये तो दूसरी पार्टियां हैं, ये तो जात और मजहब देख के करती रही है, चाहे कांग्रेस रही हो, समाजवादी रही हो, इसके नाम अलग अलग है मगर एक ही टैक है इनका कि जाति धर्म को देख के और जो है ना उनका विकास करना, उनके वोट से जो है ना इनको जुड़े रहना है। क्योंकि कांग्रेस जब सत्ता में थी तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी हुआ करते थे, तो मैं उनको बहुत अच्छा अर्थशास्त्री मानता था जब वो वित्त मंत्री थे, मगर जब वो प्रधानमंत्री बने तो शून्य हो गए, उनका मोह ही बंद कर दिया गया। और एक बार जब उनसे कहा गया विकास के बारे में तो उनके शब्द ये थे कि पैसा क्या पेड़ से लगता है, मगर हमने कभी ऐसा नहीं कहा। कोरोना काल भी इतना झेला है, सारे जो आय स्रोत थे बंद हो गए, फिर भी हमारे कोई कार बंद नहीं हुए है, पूरे चलते रहे विकास काम सेंटर बड़ा, से बड़ा, और ऐसे भदौरिया साहब आपसे मैंने जो सवाल किया कि क्या लग रहा है, आपने बड़ा स्टैंडर्ड जवाब दिया, आप कभी उसके वही बोलेंगे जाहिर सी बात है, इस पर कोई सवाल बनता भी नहीं। संजीव चौधरी साहब इस पर आपको तुरंत काउंटर कर देंगे, आपकी एक एक बात पर काउंटर कर देंगे, एक एक बात पर। करने को तो भूदेव शर्मा जी भी कर देंगे, लेकिन संजीव चौधरी साहब का काउंटर बढ़िया लगेगा सुनने में। संजीव चौधरी साहब पहले तो एक एक बात का काउंटर कर दीजिए, फिर मैं आपसे सवाल और विजुअल चला दीजिएगा स्क्रीन पर जरा। देखिए सर, मैं सबसे पहले तो बता दूं आपको कि जो इन्होंने कहा सबका साथ और सबका विकास, ये इनकी बात से मैं सहमत हूं। सबका साथ और सबका विकास और भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट का पूर्ण रूप से विकास, भारतीय जनता पार्टी का जो अकाउंट है उस अकाउंट का पूर्ण रूप से विकसित विकास, जनता का विकास नहीं। पहले तो मैं सिंह साहब को याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट का विकास हुआ है। दूसरी बात, आपने कोरोना काल की बात की, कोरोना काल में धाते गंगा में बह रही थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया ने देखा तमाशा, जो आप लोगों ने तमाशा पैदा किया था। कहां नहीं बह रही थी? राजस्थान में नहीं बह रही थी, छत्तीसगढ़ में नहीं बह रही थी, केरला में नहीं बह रही थी, कहां नहीं बह रही थी सर, ये भी सवाल है। ऑक्सीजन की इटली में नहीं बह रही, कितनी कमियां थी, ऑक्सीजन की कितनी कमी थी, ये सबने देखा। चौथी बात, सिंह साहब ने अभी कहा कि हमने हॉस्पिटल बनाए, हमने मेडिकल कॉलेजेस बनाए, एक नाम सिंह साहब मुझे गिना दीजिए पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, कोई एक नाम जो तुमने बनाया हो निकालो, बोलने दीजिए, और अभी और आगे बोलने दीजिए, सुनूंगा मैं आपकी। चौथा, आपने कहा कि हम तो 5 चरणों में हम सरकार बना चुके हैं, सुबह से शाम तक केवल झूठ की पाठशाला आप लोगों को ही दी जाती है, आपने ही झूठ का ठेका उठा रखा है कि सुबह से शाम तक झूठ बोलते हो आपके एक एक नेता, तमाम नेता की 5 चरण में आप जीत गए। संजीव चौधरी साहब इसका मतलब आपका झूठ शब्द जो है वो दरअसल आपका ऐसा तकिया कलाम हो चुका है कि आप जब भी प्रकट होते हैं तो झूठ 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 झूठ, सामने वाले सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, सब झूठे हैं, आपका ये तकिया कलाम है, सब झूठे हैं सर। सुनिए सर, सुनिए, बाबा जी का तो पता ही नहीं है, बाबा जी आखिरी चरण में पता नहीं कहाँ चले गए, मठ पे चले गए, कहाँ चले गए, बाबा जी नहीं दिखाई दे रहे, बाबा जी नहीं दिखाई दे रहे, बाबा जी का पता नहीं है। अरे आप मोदी जी को इतना ज्यादा क्यों देख रहे हैं कि बाबा जी नहीं दिख रहे, आप इसको बताइए पहले, आप मोदी जी पर इतना सेंट्रलाइज्ड क्यों हो गए हैं, उनको इतना ज्यादा क्यों देख रहे हैं कि आपको बाबा जी नहीं दिख रहे? नहीं, आप इनका देखिए ना, वैसे तो कहते हैं हम योगी जी
योगी जी के ऊपर चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम पे, उधर मोदी जी को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को एक एक जिले में दो दो तीन तीन रैलियां करनी पड़ रही हैं। अरे उनके पास है नेता, क्या मजबूरी होगी? एक देश के प्रधानमंत्री रैली करेंगे, एक देश के प्रधानमंत्री वोटों के लिए भीख मांगते फिर रहे हैं। मैंने पहली बार, मैं सर आपको बता दूं अपने इतिहास में, मैंने दुनिया भर के चुनाव देखे, तो मुलायम सिंह यादव जी जो करहल में गए थे वो क्या वोटों की भीख मांगने गए थे? अरे कैसे शब्दों का प्रयोग, चलिए ठीक है छोड़िए, आप नेता है, पहली वोट मांगते हैं, वोट करने की अपील करते हैं। मुलायम सिंह यादव क्या करने गए थे? देश वोट से नहीं चलता अकेले, देश को कुछ और भी चाहिए। आपको भीख, आप भीख मांग रहे हो सरकार की, आप भीख मांग रहे हो सरकार की, आप वोटों की भीख मांग रहे हो, आपको सरकार बनानी है चाहे कोई मर जाए। लेकिन ये जो कल चुनाव होने जा रहा है, मैं आपको बता दूं, ये जो कल चुनाव होने जा रहा है, जिस तरीके से किसानों, रोजगारों, किसानों, नौजवानों, आप नहीं चाहते, आप भीख नहीं मांग रहे हो, ठोकी थी भारतीय जनता पर, एक मिनट कील जो इन्होंने ठोकी थी वो आखिरी कील कल इनके ठुक जाएगी। किस तरीके से किसानों के ऊपर कीले दागी थी वो कल आखिरी कील इनके ऊपर दागी जाएगी। आइए जनता, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन इनको कील गाड़ के यहाँ से भगाएगी, इनका नाम और निशान मिटा देगी। कल एक तरफा चुनाव जीतने जा रही है, सपना आया था भविष्यवाणी हुई थी, ये भी बताते चलिए थोड़ा सा। जी जी बताइए, सपना आया था भविष्यवाणी कैसे कर रहे हैं आप, मतलब कि कल भगा देगी कील? भविष्यवाणी जनता है, हमारे पास जनता है, हम बिल्कुल जनता का मूड है, जनता का मूड है, जनता मान्य अगले बोलूंगा। ठीक है चलिए, भूदेव शर्मा साहब, जनता ठीक है, हो गया सर, इतना बहुत है। भूदेव शर्मा जी, कांग्रेस का ऑडियो डाउन मत करिए भाई, ऑडियो आवाज क्लियर नहीं आ रही है। कावेंद्र जी आपकी नहीं, आपकी आवाज तो बहुत क्लियर आ रही है सर, आ रही है आपकी आवाज? नहीं, आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही, अभी क्लियर आ रही थी, अभी गड़बड़ हुई है। ठीक है भूदेव शर्मा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है ना? क्लियर आ रही है? कावेंद्र जी वापस पूछिए, वापस बोलिए। हाँ भूदेव शर्मा जी, मैं ये कह रहा था कि इन्होंने कह दिया कि हम तो मेजोरिटी बना चुके पांच छह चरण में ही, आप अभी चुनाव में कहां हैं, अपने आप को कहां पा रहे हैं, या फिर अभी आप उसी फंडा पर हैं कि बीजेपी को सिर्फ हराना है, यही होल सोल जो है, हमारा मोटिव है ताकि 2024 में हम अपने आप को ताकत कर सके, ताकत पैदा कर सके 2024 के लिए? देखिए कावेंद्र जी, मीडिया कहे या दूसरी पार्टियां कहें कि हम केवल 2024 के लिए मोटिव बना रहे हैं, तो ये एक अलग बात है। आज पूरा देश देख रहा है कि देश में किन मुद्दों पे वोट मांगे जा रहे हैं। अगर जिनकी सरकारें रही हैं वो विकास को लेकर के कोई वोट नहीं मांग रहे हैं, वो आज ये स्थिति में आ गए हैं कि रशिया और यूक्रेन से जिन बच्चों को निकाल के लाया जा रहा है उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं, उनमें जो युद्ध चल रहा है उनके नाम पर वोट मांग रहे हैं। अगर इन लोगों ने विकास किया होता तो विकास के नाम पर वोट मांगते, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में वहां के लोगों के साथ, विद्यार्थियों के साथ, किसानों के साथ अगर कोई कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा है, संघर्ष किया है सड़क से लेकर संसद तक, तो वो कांग्रेस पार्टी ने कहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कावेंद्र जी, आपने कहा कांग्रेस पार्टी ने संघर्ष किया है, 10 मार्च को आश्चर्यजनक परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। नहीं वो ठीक है, आपने कहा कि कांग्रेस जो है बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ, बेरोजगारों के साथ हमेशा उन्हीं का हित किया है, किन्होंने किया है, नाम लेकर चलिए अपने नेता का। नहीं कांग्रेस पार्टी हमारे नेता राहुल गांधी हो, प्रियंका गांधी हो, जितने भी नेता हैं सब वहां के लोगों के साथ कौन खड़ा रहा? जब उत्तर प्रदेश में जब तानाशाही सरकार उन लोगों के साथ अत्याचार कर रही थी, जब वहां अपनी माता बहनों के साथ अत्याचार किया जा रहा था, किसानों के साथ अत्याचार हो रहा था, तो उनके साथ कौन खड़ा था? केवल हमारी नेता प्रियंका गांधी जी वहां के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी थी। तो वहां के लोग देख रहे हैं, निश्चित तौर पर 10 मार्च को आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। जो ख्याली पुलाव बना रहे हैं सरकार बनाने के, वो बनाते रहे, आज ये हालात हो गए हैं कि आज पूरे देश की सरकार, हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कहे, प्रचार मंत्री जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, पूरे पूरे कैबिनेट को, आपके राहुल गांधी तो चार पांच चरण तक तो दिखाई नहीं दिए, क्योंकि अभी नहीं, ये वो कह रहे हैं कि पांच चरण तक राहुल गांधी तो दिखे नहीं, कहां व्यस्त थे? अरे कावेंद्र जी आपको नहीं दिखे, कैसे नहीं दिखे, राहुल गांधी के चुनाव में
यूपी के चुनावों में कहिए कि कहीं पर भी भारतीय जनता पार्टी हो या कोई दूसरी पार्टी के प्रचारक नहीं दिखे हैं उत्तर प्रदेश के अलावा। राहुल गांधी जी उत्तर पार्टी का तो यही रहा है, इनकी पार्टी के तो और उत्तर प्रदेश में अमित शाह गृह मंत्री भी बन गए हैं, लेकिन एक दिन में तीन रैलियां कर देते हैं, एक दिन में तीन रैलियां कर देते हैं। और 2014 में ताबड़तोड़ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां पूरे विश्व की एक रिकॉर्ड है, तो ये तो करते हैं। इन्होंने तो वेस्ट बंगाल में भी रैलियां करी दिन रात करी, वो तो प्रचार मंत्री है, उनको कोई मतलब नहीं है देश दिन रात। बीजेपी के कैडर ने दिन रात रैलियां करी, वेस्ट बंगाल में भी करी। आपके राहुल गांधी कहां, मैं ये पूछ रहा हूं बस, राहुल गांधी कहां रहे चार पांच चरण तक? वो इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेते नहीं है मुझे लग रहा है। पूरी जनता को दिखाई दिए राहुल गांधी जी देश के नेता हैं, केवल उत्तर प्रदेश के नेता नहीं है कि 24 घंटे उत्तर प्रदेश में ही पड़े रहे। उन्होंने उत्तराखंड में भी रैली की, पंजाब में भी की, मणिपुर में भी की। आपने कहा उत्तर प्रदेश में ही पड़े रहे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा सूबा है, बहुत स्टार प्रचारक है, उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा सूबा है। यहाँ केवल मोदी, यहाँ पर चुनाव होते हैं तो कहा जाता है मिनी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। मैं आपसे बस ये कह रहा हूँ, यहाँ पर चुनाव होते हैं तो कहा जाता है मिनी लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। आप कह रहे हैं यही थोड़ी ना पड़े रहेंगे, तो फिर कहाँ पड़े रहेंगे सर? नहीं, उत्तराखंड में चुनाव नहीं थे क्या? आपने कवर नहीं किया? मुझे लगता है शायद फिर आपको दिखाई नहीं दिए क्या? पंजाब में चुनाव आपको दिखाई नहीं दिए? बात कर रहा हूं अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश को लेकर बातचीत नहीं। उत्तर प्रदेश में राहुल जी ने राहुल गांधी आप कहेंगे यहां नहीं पड़े रहेंगे, नहीं गए कहां पड़े रहेंगे? नहीं, उत्तर प्रदेश में राहुल जी नहीं गए, कहां रहे? पांच चरण तक वो नजर भी नहीं आए सर, पांच चरण के बाद तो वो नजर आए। चलिए ठीक है। विपिन जी भी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। विपिन जी, मैं सीधा ये जानना चाह रहा था, सबसे पहली चीज तो ये है कि समाजवादी पार्टी प्लस जो है वो कह रही है कि हम चार और पांच जो चरण हुए, फेज हुए, उसमें हम मेजोरिटी पा चुके हैं। ऐसा ही कुछ नपातुला बीजेपी कह रही है कि चार या पांच चरण में हम जो है मेजोरिटी पा चुके हैं। अब जो मतदान है वो दरअसल एड ऑन करने के लिए है कि एड ऑन जितनी सीटें आ जाए ठीक है। पहली चीज ये है कि आपको क्या लगता है कि, क्योंकि देखिए अगर टक्कर है, लोग कह रहे हैं कि बीजेपी प्लस और एसपी प्लस में टक्कर है, और अगर टक्कर है तो सातवें चरण तक खींचेगा, ये जाहिर सी बात है, पक्की बात है, सातवें चरण तक खींचेगा। और टक्कर नहीं है तो ठीक है कि मेजोरिटी किसी ना किसी की या इधर की या इधर की आ चुकी है, पहली चीज जो कयास लगाया जा रहा है। दूसरी चीज ये है कि जिन्ना गन्ना पाकिस्तान तमंचावादी इन सब चीजों से, इन सब कीवर्ड से शुरू हुआ चुनाव, अब जब आखिरी चरण पर आ गया है तो ये सब शब्द जो है सब गायब हो गए। अब राशन सुनाई दे रहा है, राशन को लेकर लोग बातचीत कर रहे हैं, और बाकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी राउंड से पहले ये काशी में, ये बनारस में डेरा क्यों जमाना पड़ा? ये इवेंट जो मेगा इवेंट जो 2017 में दरअसल देखने को मिला था, तब कहा था कि ठीक है 2017 में चुनाव है तो पीएम मोदी के चेहरे पर है, लेकिन 2022 में भी पीएम मोदी एक बार फिर मेगा इवेंट बिल्कुल छा गए हर जगह, वही 2017 जैसा ही एक तरीके से प्रचार करने का जो तरीका था वो दिखाई दिया। इसको आप कुछ भी नाम दे दें कि निरीक्षण करने गए थे, इधर गए थे, उधर गए थे, लेकिन था वो एक्चुअली में प्रचार ही। लेकिन मेगा इवेंट करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आखिरी राउंड में क्या जरूरत पड़ी जब योगी का चेहरा इस बार सामने भी है? सर देखिए, मैं सर्वप्रथम आग्रह करूंगा कि बीच में कोई ना बोले। मैंने बड़े शांतिपूर्वक इन तीनों सम्मानित प्रवक्ताओं को सुना जी सर, तब मैं वही अपेक्षा करूंगा ये लोग भी अब शांतिपूर्वक मेरे व्यक्तित्व को सुने। देखिए ऐसा है कि यहाँ पर जो आखिरी चरण है, यहाँ पर निश्चित बात है कोई भी राजनीतिक दल अपनी कसर छोड़ना नहीं चाहेगा। पिछली विधानसभा के चुनावों की तुलना करी, आपने बोला कि तब तो स्थिति पहले ही स्पष्ट हो गई थी, लेकिन जब चुनाव चल रहे थे तब स्थिति स्पष्ट नहीं हुई थी, वो तो जब नतीजे आए थे तब पता चला था कि चौथे पांचवें चरण में ही सारी स्थिति साफ हो गई थी। तो यहाँ पर एक बात समझनी पड़ेगी कि उत्तर प्रदेश के चुनावों की अहमियत पूरे देश की राजनीति में बहुत अहम है, और यहाँ पर कोई भी कहने को, और भी राजनीतिक दल हैं चुनावी मैदान में, और निश्चित बात है अभी शर्मा जी को मैं सुन रहा था जो कांग्रेस के बारे में बोल रहे थे कि वो लोग पूरे दमखम से निकले हुए मैदान में, लेकिन मुद्दा यह है कि कोई भी असल मायने में कांटे की टक्कर और सीधी टक्कर आमने सामने जो खड़े हैं इस चुनावी मैदान में उत्तर प्रदेश में, वो भाजपा और सपा, क्योंकि सपा और भाजपा और कांग्रेस सही मायने में जो उम्मीद करी जा रही थी कि जिस अंदाज में वो लोग आएंगे तो वो हुआ नहीं। और पश्चिम बंगाल वाला हिसाब किताब चल रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भी कहने को वाम दल थे, कांग्रेस थी, लेकिन कांटे की टक्कर और सीधी आमने सामने की टक्कर टीएमसी में और भाजपा में थी। और यहां पर अगर हम तुलना करते हैं पश्चिम बंगाल के चुनाव से, तो वहां पर विपक्ष में कौन था? भाजपा। और भाजपा वाले बार बार बोल रहे थे हर एक मंच से कि हम लोग जो है दोहरा शतक लगाएंगे, 100 भी पार नहीं हो पाए,
अब यही तुलना आप करें उत्तर प्रदेश में विपक्ष में कौन है, सपा, और सपा अपने दावे आगे लेके आ रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग बाजी मार जाएंगे। पहली बात है कि वो यहाँ पर वो वाली बात नहीं है कि यहाँ पर अंत तक आपको पूरा अपना प्रयास करना पड़ेगा। ये कहना कि आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे और हमने तो बिल्कुल पूर्ण बहुमत आ चुका है हमारा पहले चरणों में ही, चौथे चरण तक ही, तो फिर क्या कारण था कि प्रधानमंत्री को बनारस उतरना पड़ा और वहां पर एक मेगा शो करना पड़ा। और वही हम सपा से भी पूछ सकते हैं कि क्या कारण है कि अभी तक आप लोग पूरे दमखम से मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये कहना गलत होगा। लेकिन उससे पहले मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा, अभी क्योंकि उस शब्द का इस्तेमाल करा गया, भीख। देखिए, एक तरफ आप बोलते हैं कि जनता जनार्दन होती है, तो जनता से आप वोट की भीख नहीं मांगेंगे तो क्या मांगेंगे, वो तो कोई भी राजनीतिक दल हो। और जब प्रधानमंत्री की आप बात करते हैं तो एक देश के प्रधानमंत्री के लिए शोभा नहीं देता, सुन लीजिए पूरी बात, प्रधानमंत्री है आपके, बिल्कुल है, बिल्कुल किसने बोला नहीं है, नहीं देता, पहले सुन लीजिए, पहले आप प्रधानमंत्री जी के लिए शोभा नहीं देता, मैं नहीं बोलता, चलिए ठीक है, ये तरीका नहीं है, पहले मैंने आपसे आप पहले पूरा सुन लीजिए, बात काउंटर करिए, देश के प्रधानमंत्री जी के लिए शोभा नहीं देता, वो हमारे प्रधानमंत्री है, वो भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं है, चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, प्रधानमंत्री जी चुनाव नहीं लड़ रहे, पूरी बात सुनिए, चुनाव भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही, भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है, कविंदर जी आप पहले शांत कराइए, चुनाव नहीं लड़ रहे, संजीव चौधरी साहब, देश के प्रधानमंत्री चुनाव नहीं लड़ रहे, संजीव चौधरी साहब, संजीव चौधरी साहब समस्या क्या है, संजीव चौधरी साहब आपका कोई भी तार छेड़ देते हैं आपके सुर बाहर आ जाते हैं, आप थोड़ा रुकिए संजीव चौधरी साहब, सुना करिए, पहले सुन तो लीजिए पूरी बात, क्या मैं बोलना चाहता हूँ, आप सर सही बताइए, संजीव चौधरी साहब पहले सुन लीजिए, आपको पूरा मौका दूंगा, संजीव चौधरी साहब आपको पूरा मौका दूंगा, संजीव चौधरी साहब ऐसा मत करिए, क्या समझ रहे हैं, संजीव चौधरी साहब अरे रुकिए थोड़ा सा, विपिन जी थोड़ा, संजीव चौधरी साहब प्लीज, रिक्वेस्ट है संजीव चौधरी साहब, बहुत डिसेंटली आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज प्लीज, ठीक है, मैंने इनको पूरा मान सम्मान दिया, बोला सम्मानित प्रवक्ता है, सारे बैठे हुए हैं यहाँ पर शांतिपूर्वक, पहले दूसरे का व्यक्तित्व सुन लीजिए, देखिए ऐसा है, मैंने ये बात बोली है कि आप टिप्पणी करेंगे गलत बात पे तो बोलना तो पड़ेगा ना, आप जवाब दे रहे हैं, आप जवाब दीजिए, सुन लीजिए, मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जब देश के प्रधानमंत्री हो, चाहे कैबिनेट के कोई मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, नेता जब चुनावी मैदान में उतरता है, उसको उम्मीदवार घोषित करा जाता है, तो वो जनता के समक्ष जब जाएगा, जनता को क्यों बोलते हैं जनार्दन, जनता के जनादेश आपको चाहिए, तो आप हाथ भी जोड़ते हैं उनसे, आप आग्रह करते हैं, तो उसको हम भीख शब्द इस्तेमाल करें या उसको करें, आपने जो बोला मैं उस पर बात बोल रहा हूँ, लेकिन अगर 10 मार्च को पैसा नहीं हुआ फिर पैसा फंसेगा, सो अलग परेशानी होगी, सो अलग, थोड़ा सा धैर्य रखिए, हर दिशा में थोड़ा धैर्य रखिए, हर दिशा में धैर्य रखिए, हर दिशा वोट मांग रहे हैं, सुन लीजिए, कोई कंपटीशन थोड़ी ना चल रहा है कि कौन कितना तेज बोल लेता है, ठीक है, रुकिए, ऐसा नहीं होता, ऐसे तो किसी पे भी बोला जा सकता है, कोई भी हो, आपने बात करी लखीमपुर खेरी की घटना की, हम लोग आपके साथ खड़े हैं, निश्चित बात है किसान देश का अन्नदाता है, हम उसको सलाम करते हैं, नमन करते हैं, उस पर अगर कोई उसको कुचलेगा गाड़ी के नीचे तो बिल्कुल उसकी निंदा भी होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, पहली बात, लेकिन ऐसे तो आप अपने भी गिरेबान में झांके देखिए कि अखिलेश यादव जी बड़े सम्मानित हैं, तो वो भी तो पुलिस को करके कैसे संबोधन कर रहे थे। अब मैं बात करूंगा कांग्रेस की, एक मिनट, बहुत अच्छी बात है, मैं शर्मा जी पहले सुन लीजिए, आपने अखिलेश जी को बता दिया, अमित शाह जी ने पुलिस को किस तरीके से डांटा, आपने वो नहीं बताया, आप बताइए अमित शाह जी का, सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैंने प्रधानमंत्री का जिक्र करा, अमित शाह जी से मंत्री का जिक्र करा, आपने बता दिया, बस हो गया, ठीक है, जनता को पता लग गया, चलिए ठीक है, विपिन जी आप बताइए, अरे आपने बता दिया, हो गया, आप नहीं डरते, बहुत निडर हैं सर, इनको मेरे शायद विचार नहीं समझ आ रहे, मैं ये बोल रहा हूँ, मैं तो आपके साथ खड़ा हूँ, मैंने तो सबसे पहले प्रधानमंत्री का जिक्र करा, मैंने बोला कि प्रधानमंत्री अगर हाथ जोड़ के मांगते हैं, वोट मांगते हैं, तो वो उनका बिल्कुल
जिम्मेदारी बनती है कि जनता के बीच में जाएंगे, कोई अहम के साथ नहीं जा सकता। नहीं जिम्मेदारी बनती। पहले सुन लीजिए, विचार पूरे सुन लीजिए, पहले शांत हो जाइए। यहाँ पर चाहे मंत्री हो, चाहे कोई पहली बार चुनावी मैदान में उतरा हो, चाहे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, तो वहां पर जब जनता के समक्ष जाएंगे तो आपको विनम्र पूर्वक ही जाना पड़ेगा। ये मैंने बात बोलनी चाहिए, पहले विचार सुन लीजिए। नहीं की जाती वोटों के लिए। सुन लीजिए जनाब, ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, जनता की बात हो रही है। संजीव चौधरी साहब, बड़ा गलत नैरेटिव जा रहा है आपका। संजीव चौधरी साहब रुकिए, संजीव चौधरी साहब, उत्सुकता में आप बड़ा गलत नैरेटिव दे रहे हैं। आप कह रहे हैं मालिश नहीं की जाती, ये नहीं किया। अरे जनता की बात हो रही है भाई, जनता जनार्दन है। आप थोड़ी ना राजशाही थोड़ी ना चलती है सर। थोड़ा शर्मा जी, आपने बात बोली कांग्रेस पार्टी की, बिल्कुल बढ़िया बात बोली। कांग्रेस को बिल्कुल दमखम से उतरना चाहिए मैदान में, और यही उनसे उम्मीद करी जा रही थी। कांग्रेस पार्टी का तो स्वर्णिम इतिहास रहा है, आजादी के बाद किसकी सरकारें रही हैं, कौन सत्ता में रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कोई ना कोई तो कारण है कि जब बोलते हैं और कांग्रेस के अंदर से अंदर उनके खुद के नेता बोलते हैं कि जब आप आत्ममंथन करिए तो उसमें किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आपका तो अगर हम दिल्ली की बात करें, ज्यादा दूर नहीं जाते, दिल्ली राजधानी की बात करें, यहाँ पर बतौर पत्रकार मैं विधानसभा जाया करता था, जहां पर नजर जाती थी वहां पर कांग्रेस के विधायक बैठे होते थे विधानसभा में। आज ये सूरत हाल बन गए हैं दिल्ली में, राजधानी में, कि दो चुनाव हुए हैं, कांग्रेस अपना खाता नहीं खोल पाई है। आत्ममंथन की बात इसलिए हम लोग करते हैं कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है कि कांग्रेस मजबूत हो, तभी तो घेर पाएगी सत्ता पक्ष वालों को, बीजेपी एनडीए की सरकार को। हम लोग तो खुद चाहते हैं कि कांग्रेस मजबूत हो, ये लोकतंत्र के लिए खूबसूरती है कि तभी तो आप जो जनता के मुद्दे हैं आप उठा पाएंगे। आप लोग बोलते हैं कि नहीं देखिए मोदी सरकार क्या काम नहीं कर रही है, इस उनकी नीतियां नहीं है, अलग अलग मीडिया के लिए भी अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, क्योंकि आप अगर राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत नहीं होंगे, आज तो ये सूरत हाल बन गए कि आम आदमी पार्टी टक्कर दे रही है अलग अलग। अब अगर हम पंजाब की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, तो यहाँ पर अच्छी बात है कि कांग्रेस पूरा दमखम से मैदान में उतरे, ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। लेकिन एक बात मैं बोलूंगा, इस चुनावों में आप जो बोल रहे हैं बड़े हैरानी वाले नतीजे आएंगे, तो अच्छी बात है। अंत में जीत जो होनी चाहिए वो एक आम आदमी की होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश वासी की जीत होनी चाहिए। और मुद्दे आप चुनाव में तो अमूमन देखा जाता है ठीकरे फोड़े जाते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन विकास तवज्जो मिलनी चाहिए। और अंत में ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर चुनाव किसी एक राजनीतिक दल के हक में नहीं आते, टीकड़ा फोड़ दिया जाए ईवीएम पे, वो बोल दिया जाए नहीं ईवीएम में गड़बड़ी थी। ठीक है, चलिए ठीक है, दूसरे राउंड की शुरुआत करते हैं। दूसरे राउंड, दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा जनता के जनादेश को सामने लेना चाहिए। दूसरे राउंड की ओर बढ़ते हैं। आई भदौरिया साहब, चुनाव जब शुरू हुआ था तब जिन्ना बहुत चला, गन्ना बहुत चला, तमाम तरीके की तमंचावादी, दंगावादी सब चीजें चलती रही, लेकिन आखिरी वक्त में आकर राशन डेवलपमेंट पर आपको वापस आना पड़ा, विकास पर। लेकिन आखिरी वक्त पर बिल्कुल लास्ट में एक फिनिशर की तरह पीएम मोदी को आना ही पड़ा, मेगा शो करना ही पड़ा, और माहौल बदलने का जो आपका लास्ट जो ट्रंप कार्ड होता है, राजनीतिक पंडित कहते हैं कि ट्रंप कार्ड है बीजेपी के पास कि पीएम मोदी आएंगे तो कम से कम 100 किलोमीटर का जो रेडियस पड़ता है उसमें पूरे में माहौल जो है, मौसम जो है, उसमें तब्दीली लाने की क्षमता रखते हैं। तो पीएम मोदी को आना ही पड़ा, मेगा शो करना ही पड़ा, और इतने हाई लेवल पर आखिरी में आपको अपने ट्रंप कार्ड का इस्तेमाल क्यों करना पड़ा? कौन सा ऐसा मुद्दा है जो आपको लगा कि अब चल नहीं रहा है तो यहां पर जरूरत है? नहीं, हमारे यहाँ क्या है, पूरी पार्टी प्रधानमंत्री से लेके एक छोटे छोटा हमारा कार्यकर्ता जो मंडल तक के रहते हैं वो सब एक होकर चुनाव को लड़ते हैं। कभी चुनाव को हम झूठ बोल रहे हो आप, राजनाथ सिंह जी का नाम बता दीजिए, कहाँ थे राजनाथ सिंह जी? गडकरी जी कहाँ है? राजनाथ सिंह जी कहाँ है? किसान नेता है राजनाथ सिंह जी, कहाँ थे? आपने लाइन पे लगा दिया उनको, पूरी बात बताइए, झूठ मत बोलिए, और झूठ भी बोलो तो ऐसा बोलो जो पकड़ा ना जाए। कैसे बोले? ठीक है, आप सिखा दीजिए संजीव चौधरी साहब, आप पहले सिखा दीजिए झूठ ऐसे बोले कि पकड़े ना जाए। कैसे कैसे बोलते हैं संजीव चौधरी साहब? संजीव चौधरी साहब पहले आप सिखाइए। हर बार बोल जो झूठ बोलोगे तो मैं टोकूंगा, आप सच बताइए मैं चुनूंगा। आप डॉक्टर टेस्ट है क्या सर? क्यों आप क्यों टोकेंगे? राजनाथ सिंह जी एक जिले के नेता है क्या?
राजनाथ सिंह जी एक जिले के नेता है क्या? कहां लगा दिया आपने ठिकाने? क्यों लगा दिया? अमित शाह जी यूपी में घूम रहे हैं, राजनाथ सिंह जी कहां है? सर मुझको तो ऐसा लगता था कि एक व्यक्ति का भी एक नेता होता है, आज आप बिल्कुल इसको पता नहीं किस डायरेक्शन में ले रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नेता बड़ा छोटा, आप कह रहे हैं ये जिले स्तर के नेता है क्या? अखिलेश यादव किस लेवल? नहीं, मैं तो इनसे पूछ रहा हूँ, अखिलेश यादव कमांड के नेता है क्या? मोदी जी अखिलेश यादव कमांड के नेता है क्या? कैसे आप सर बात कर रहे हैं? एक एक व्यक्ति का एक एक नेता हो सकता है सर? आप छोड़िए, आप क्या सर आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप थोड़ा अहंकार वाली फीलिंग है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ये डुमरू बजाने वाले लोग हैं, ये डुमरी बजाते हैं, ये तमाशा दिखाने वाले लोग हैं। इनका तमाशा नहीं चलता, ये तमाशा दिखाते हैं केवल लोगों को और तमाशा दिखा के नचाते हैं लोगों को। सर 10 मार्च का इंतजार करिए, सर 10 मार्च का इंतजार करिए, 10 मार्च का इंतजार करिए, 10 तारीख तक का इंतजार करो। भूख लग रही है, हम बिल्कुल रिलीफ में है। उत्तर प्रदेश में सरकार बनने जा रही है, परिणाम अनुकूल नहीं आए तो समस्या है सर। ठीक है भदौरिया साहब, क्या है कि हमने कभी चुनाव को हल्के में नहीं देते, हम चुनाव चुनाव के हिसाब से लड़ते हैं और मुद्दों पे लड़ते हैं, मुद्दों की बात करते हैं, जनता के हित की बात करते हैं। आप पक्षी में क्यों नहीं आए? आप पक्षी में क्यों नहीं आए? देश के प्रधानमंत्री मुजफ्फरनगर क्यों नहीं आए? बागपत क्यों नहीं आए? बागपत क्यों नहीं आए? गाजियाबाद क्यों नहीं आए? देश के प्रधानमंत्री पूछ रहा था कि देश के प्रधानमंत्री कहाँ है, मुजफ्फरनगर पूछ रहा था, तामली ने पूछा कहाँ थे, क्यों नहीं आए बोलो? आप पश्चिम में क्यों नहीं आए? प्रधानमंत्री जी ने पश्चिम में वोट क्यों मांगी? मुझे लग रहा था कि 10 तारीख के बाद समाजवादी पगलाएगी, मगर समाजवादी से पहले पगला रही है। आपका हो चुका है, आप हो चुके हो, आप बताइए प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए पश्चिम में वोट मांगने क्यों नहीं आए? आप बताइए ना, मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। चलिए ठीक है, चौधरी साहब ठीक है, चौधरी साहब ठीक है, अब ठीक है बोलने दीजिए, अब दूसरों को भी बोलने दिया करिए सर। नहीं सर, इनसे पूछ लीजिए जरा एक क्वेश्चन मेरा कि पश्चिम में प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए, एक क्वेश्चन पूछ लीजिए बस। ठीक है भदौरिया साहब, आप जवाब दीजिए। शायद हमारे छोटे भाई संजीव को याद नहीं है, वहां पर हमारी प्रधानमंत्री की, गृह मंत्री की, रक्षा मंत्री सभी की बड़ी बड़ी सभाएं हुई। प्रधानमंत्री जी की बात कर रहा हूँ, आप घुमाइए। चौधरी साहब रुकिए, ऐसा मत करिए प्लीज। ऐसे तो पश्चिम में आपके रथ पे जैन चौधरी साहब ऊपर दिख रहे थे, आप नहीं दिख रहे हैं। ठीक है, अभी भी उतार दिया रथ से, पिछली देख रहा हूँ कि ऊपर राजभर साहब को लिए घूम रहे हैं। ठीक है चलिए छोड़िए, ठीक है। नहीं नहीं, जैन जी ऊपर है, जैन जी साथ थे, ममता बनर्जी जी और जैन जी साथ थे, ठीक है मंच पे साथ थे सर। अरे ठीक है सर, ठीक है सर, भदौरिया सर क्या है, जब चुनाव शुरुआत हुई तो अखिलेश जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जहां से भी पर्चा भरूंगा वहां पर हमें जरूरत नहीं है, जनता हमें जिताएगी। और लास्ट में फिर वो चुनाव लड़ने कहां गए, अपने घर पे, करहेल जो उनका घर है, और वहां भी हमारे कैंडिडेट जो उस डिस्ट्रिक्ट का भी नहीं था, मगर जब उसने वहां चुनाव लड़ा तो अखिलेश जी को बूढ़े पिताजी जिनसे चला नहीं जाता है, कानों से सुनाई नहीं देता है, भदौरिया साहब बोल नहीं पाते। अंदर की आपको बात बताता हूं, अंदर की बात बताओ भदौरिया साहब, कुछ कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं, कुछ कुछ तस्वीरें ऐसी आ रही हैं जो दरअसल लोगों के माइंड में हिट कर रही हैं। आपने देखा होगा अयोध्या में जो जिलाधिकारी का जो बोर्ड लगा था, वो भगवा से पहले हरा हो जाता है, फिर हरे से रेड हो जाता है, तो लोग कह रहे हैं कि भैया आप देखो प्रशासन को सबसे पहले जो ये ब्यूरोक्रेसी के जो लोग होते हैं इनको अनुभूति हो जाती है, इनको मालूम पड़ जाता है, इनके पास दिव्य दृष्टि है। तो ऐसा कहा जा रहा है कि ब्यूरोक्रेसी को तो दरअसल पहले से पता लग चुका है कि सरकार जो है बदलने वाली है, इसलिए ये पेंट जो है बदल रहे हैं। तो ऐसे जनता भी अब सोच रही है कि कुछ हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है कहीं। जनता जनार्दन है, जनता कुछ भी हो सकती है, स्वतंत्र है, जनता के ऊपर कोई किसी का दबाव नहीं मतलब होता। फंसा है चुनाव अभी तक? नहीं, चुनाव बिल्कुल नहीं फंसा है, चुनाव जो है ना हमारे पक्ष में जा रहा है, वो हमने पांच में फेज तक ही क्लियर कर दिया था, ये दो फेज तो हमारे लिए जो है ना एक ब्यूरोक्रेसी तक रॉन्ग नंबर कौन पहुंचा रहा है, ये रॉन्ग नंबर कौन है जो ब्यूरोक्रेसी यहाँ पर इतनी तेजी दिखा रही है और भगवान से हरा हरा से लाल करवा रही है, तो लोगों को तो लग रहा है ना कौन कर रहा है कौन नहीं करा रहा है, मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, जो जानकारी सही है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, वो समाजवादी की चाल वहां भी हो सकती है। सिंह साहब आपको जानकारी,
सकती है। तो मैं यही कहना चाहूंगा, नहीं मैं ऐसे इसलिए कह रहा हूँ, और एक और चीज थी, प्रधानमंत्री मोदी जब वाराणसी में थे तब एक चीज ने बड़ा, ये इस पर विपिन जी भी बताएंगे, एक चीज बड़ा हैरान परेशान करने वाली थी कि पहली बार ऐसा देखा कि प्रधानमंत्री के सर पर जो टोपी थी वो कौन से एग्जैक्ट कौन से कलर की थी, ये तो टीवी का भी फर्क हो सकता है, लेकिन टोपी जो थी वो दरअसल बड़ा मेल खा रही थी, सपा की टोपी जैसी टोपी से बड़ा मेल खा रही थी, तो इसके पीछे क्या वजह है सर? नहीं वो कैमरों की जो फोकस मारने की वो है, अरे कैमरों ने कलर थोड़ी ना चेंज कर दिया सर, तिरंगे में भी सबसे ऊपर भगवा है, तिरंगे में भी सबसे ऊपर भगवा है, सूर्य देव का कलर भी भगवा है, माणा प्रताप का झंडा भी भगवा है, शिवाजी महाराज का झंडा भी भगवा है, ठीक है इसी सवाल पर जरा चौधरी साहब से पूछ लेता हूँ, लेकिन चौधरी साहब आप तो कह रहे हैं कि भगवा वो है जो जंग लगा हुआ है, वो रंग है। देखिए देखिए राघवेंद्र जी, हाँ। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी पहले लाल टोपी को गाली दी, हाँ। और फिर वो लाल टोपी पहननी पड़ी अंत में। अरे सर गंज ढुंढवाला का सवाल कर रहा हूं, गुजरात क्यों पहुंच रहे हैं, ये बताइए जंग लगा हुआ रंग है क्या भगवा, ये क्लियर। देखिए देखिए भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, जंग लगा हुआ है, आपने पार्टी के नहीं, ये भगवा रंग भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। मोदी जी को पहननी है तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की टोपी पहनते, ठीक है, अगर बीजेपी का नहीं है तो आप भी पहन सकते हैं भगवा रंग की टोपी, वो ठीक है, बिल्कुल पहन सकते हैं, हाँ ठीक है, अब सब पहन सकते हैं, भगवा रंग सबका है, किसी का नहीं है किसी एक पार्टी का। चलिए ठीक है, थोड़ा सा ऑप्शन लेकर चल रहे हैं चौधरी साहब थोड़ा सा ऑप्शन लेकर चल रहे हैं, अच्छी बात है, लेकर चलना चाहिए, थोड़ा बहुत ऑप्शन हमेशा नेताओं को लेकर चलना चाहिए कि देखो आपकी डिबेट में पहले ही कहते हैं कि भगवा रंग भी पहन सकते हैं, बात में इनको बोलना चाहिए भारत माता की जय, इनको बोलना चाहिए सर, जयकारे थोड़ी लगवाए जा रहे हैं यहाँ पर, भारत माता की जय बोलेंगे, चौधरी साहब बोल देंगे उसे छोड़िए, भूदेव जी के पास चलेंगे वापस आएंगे चौधरी साहब, वो तो बस मैं पूछने आ गया था, भारत माता पहले भी जिंदाबाद थी, आज भी जिंदाबाद है, और जब तुम्हारा खदेड़ा हो जाएगा यहाँ से जब भी जिंदाबाद रहेंगी, उनको किसी की ताकत नहीं है, किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनकी तरफ को आग देख ले जाके ले जाए, माई के लाल आप कहां से चुरा के लाए, अरे छोड़िए छोड़िए छोड़िए, ठीक है सर ठीक है भूदेव जी काफी देर से परेशान है, देखिए माथा भी इरिटेट हो गया उनका, भूदेव जी इसके पास आऊंगा, भूदेव जी काफी देर रुके, चौधरी साहब पूरा मजमा लूटने के लिए आते हैं, आप अपना यहां डिबेट किसी की हो, अगर मैं रूस और यूक्रेन पर भी डिबेट रख दूंगा मजमा आप ही लूटेंगे, आपको सब चाहिए, लाल टोपी भी आपकी, भगवा टोपी भी आपकी, सब आपका, लड्डू भी आपका, रसगुल्ला भी आपका, छेना भी आपका, अरे ठीक है सर, बस 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 ठीक है सर, ठीक है, संजीव चौधरी लग रहा है कि पूरी पार्टी जो है आपकी बौखलाहट में है, संजीव चौधरी साहब, दरअसल संजीव चौधरी साहब बहुत खुश हैं, और मैं देख रहा हूं कि चौथे चरण के बाद से संजीव चौधरी साहब इतने खुश हैं और अत्यंत खुश हैं, और मैं इस बात को गारंटी से कह सकता हूं कि अपनी जेब में हाथ डाल के अभी 6-7 मुझको वो दिखा देंगे, रिसीट दिखा देंगे, स्लिप दिखा देंगे कि बैंड बाजे की बुकिंग हो गई है, राजा बैंड बाजे से लड्डू वड्डू सब मिठाई विठाई अग्रवाल स्वीट से बनकर तैयार है 10 मार्च की। चलिए भूदेव शर्मा जी को भी थोड़ा समझिए, वह काफी देर से परेशान है, भूदेव जी सबसे पहले तो आप कुछ कहना चाहते हैं उस चीज के लिए आप बार बार मुझे बता रहे हैं जी। देखिए काविंद्र जी, मैं काफी टाइम से इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि विपिन जी ने काफी अच्छा एक्सप्लेन किया और काफी सवाल भी उठाए, तो मैं उनका जवाब देना चाह रहा था बिल्कुल, और उन्हीं जवाबों में सारे सवालों के जवाब है जो मैं बोलूंगा। देखिए उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ नहीं है या फिर मजबूत नहीं है, तो मैं ये बताना चाहता हूँ विपिन जी कि 2014 से पहले 2013 में हमारे देश के लोगों को झूठे जुमले दिखाई गए कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख रुपए हमारे अकाउंट में आएंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, और इस तरह के झूठे इतने सपने दिखाए गए थे लोगों को और उसके जितनी आकांक्षाएं बढ़ा दी गई थी वो आज सपने लोगों के टूटने लगे हैं। अब ये लोग जो क्या करते हैं कि अब ये सारी संस्थाओं पर कब्जा जमा करके दादागिरी से या किसी भी तरह से आज सरकारी संस्थाओं को जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडियां हैं उनको ध्वस्त करने का प्रयास कर रहे हैं। तो विपिन जी ये मत कहिए कि आज कांग्रेस पार्टी नहीं है, कांग्रेस पार्टी हमेशा ही पूरी ताकत के साथ हर जगह हम चुनाव में जाते हैं, जीतना हारना जनता के हाथ में है, जनता अब समझ चुकी है कि कौन जुमलेबाज है,
आज ये हालात है कि देश के व्यक्तियों को, किसानों को, मजदूरों को, विद्यार्थियों को देश के प्रधानमंत्री की बात पर भरोसा नहीं है, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि ये सिर्फ जुमले देते हैं, झूठ बोलते हैं। आप बताइए, किसान आंदोलन खत्म हो रहा था तो किसानों ने कहा था कि वो जुमलेबाज है। आज विद्यार्थियों को जो क्या है, इलाहाबाद के अंदर, पटना के अंदर उनके हॉस्टलों में, रूमों में घुस घुस के मारा गया, वो बोल रहे हैं कि केवल और केवल ये जुमलेबाज है। तो ये पूरा देश अब जान चुका है कि हमारे साथ कौन खड़ा है, कौन देश का विकास कर सकती है, कौन इस देश को विश्वगुरु बना सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप मानिए कि कांग्रेस पार्टी जो क्या इस बार सरकार बनाएगी और एक आपको आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिलेंगे। ठीक है, और भूदेव जी जवाब कहते हैं तो काफी इंप्रेस करते हैं, क्योंकि आप, मैं विपिन जी आपके पास आ रहा हूँ, बिल्कुल आपके पास आ रहा हूँ, तुरंत आपके पास आ रहा हूँ विपिन जी। लेकिन भूदेव जी जवाब बात करते हैं तो बड़ी ईमानदारी के साथ आप बातों को रखते हैं, तो इसलिए मैं बस आपको अवगत करा रहा था, आपके संज्ञान में ला रहा था कि आप काफी चिंतित हैं उत्तर प्रदेश के युवाओं को, बेरोजगारों को लेकर। लेकिन राजस्थान की आपको बात बता दूं, क्योंकि आप यूपी में हैं, लेकिन राजस्थान का भी आप थोड़ा संज्ञान रखिए कि रीट की जो भर्ती प्रक्रिया थी उसको ठप कर दिया गया। बहुत सारे विद्यार्थी सड़कों पर हैं, लगातार मैसेज करते हैं, कोई उनकी नहीं सुन रहा। रीट वन की, लेवल वन की जो कट ऑफ निकल कर आई, उस पर भी अब लगातार संशय है और लगातार हर व्यक्ति कह रहा है कि इसको, कुछ कह रहे हैं रद्द करो, कुछ कह रहे हैं बहाल करो। तो वहां पर स्टूडेंट इतना परेशान है, विद्यार्थी युवा इतना परेशान है राजस्थान में, आरएएस की भर्ती प्रक्रिया उस पर पूरी तरीके से, तो वहां पर आप परीक्षा नहीं करवा पा रहे। आपके जो परीक्षा पेपर है वो दरअसल बेचे जा रहे हैं, बांटे जा रहे हैं, लोग वहां परेशान है, युवा विद्यार्थी सब सड़क पर है। और प्रियंका गांधी जी दिल्ली पर सिखा रही हैं, यूपी में सिखा रही हैं कि लड़की हो लड़ सकती हो, और वहां पर राजस्थान में हमारी बहन बेटियां रो रही हैं कि भैया रद्द क्यों करवा दी। सर आप प्लीज संज्ञान में दीजिएगा। भूदेव जी, कावेंद्र जी, बिल्कुल, मैं पूरा का पूरा जो मैटर है मेरे संज्ञान में, मैं आपको बताना चाहता हूं कि राजस्थान में 1.25 लाख के आसपास युवाओं की भर्ती हो चुकी है, जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, नौकरी कर रहे हैं। उसके बाद अगर सरकार के ऊपर ये दबाव होता है कि आप भर्ती करवाइए जल्दी से जल्दी, उसके बावजूद भी अगर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाई जाती है तो क्या उन युवाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया जाए अगर पेपर आउट होता है कि जो मेहनत कर रहे थे। अब अगर आप मेहनत कर रहे हैं, जो युवा मेहनत कर रहे हैं, तो वो तो दोबारा भी पेपर को पास कर सकते हैं। और ये कैंसिल, कावेंद्र जी एक सेकंड, जब विपक्ष ने पूरे दमखम के साथ मुद्दा उठाया कि पेपर को रद्द कीजिए, रद्द कीजिए, रद्द कीजिए, तो सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, जब पूरा विपक्ष एक साथ आवाज उठा रहा है, सभी चाहते हैं कि रद्द होना चाहिए। ये बड़ी दिलचस्प चीज राजस्थान में मैंने देखी कि आप परीक्षाओं को रद्द करने के बाद, राजस्थान के भी मेरे प्रवक्ता हैं, जान पहचान है, उनसे भी बातचीत कर रहा था, वो भी कह रहे थे कि विपक्ष ने दबाव बना दिया बीजेपी ने, इसलिए रद्द करवा दी। मतलब विपक्ष के दबाव में, विपक्ष तो दबाव बना रहा है कि कुर्सी छोड़ दो राजस्थान में, तो ये थोड़ी ना कहेंगे आप दबाव में कुर्सी छोड़ दो। कावेंद्र जी, लोकतांत्रिक सरकार चलाते हैं, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है, आपकी गलती है, बीजेपी पार्टी नहीं है। विपक्ष में अगर सेंटर की बात करूं ठीक है, अगर विपक्ष की इतनी भूमिका है, अगर ठीक है, बिल्कुल, अगर विपक्ष की इतनी भूमिका है, अगर अपोजिशन की इतनी भूमिका है, इतनी ताकत है, तो सेंटर में एक तरीके से अगर देखा जाए तो विपक्ष आप ही है, बड़े विपक्ष की बात करूं, बड़े पार्टी के रूप में। बिल्कुल, किसान आंदोलन को लेकर आप दबाव क्यों नहीं बना पाए? क्या पावरफुल नहीं है, क्या ताकत नहीं है, आप दबाव नहीं बना पाए? सर कविंदर जी, मैं बार बार कह रहा हूं कि हम एक तानाशाही सरकार नहीं चलाते, हमारी पार्टी कोई तानाशाही पार्टी नहीं है। कि अगर मान लीजिए बीजेपी की पार्टी, बीजेपी की सरकार में, चाहे उत्तर प्रदेश या कहीं पर भी, चाहे दिल्ली में या केंद्र में, अगर विद्यार्थी हो, किसान हो, कोई भी वर्ग हो, चाहे विपक्ष हो, अगर वो अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो उसको पीट पीट करके पुलिस से पिटवाया जाता है, जेलों में डाला जाता है, धमकाया जाता है। ऐसा कांग्रेस की पार्टी में न पिछले 70 सालों में कभी किया गया है, 75 सालों में न कभी आगे किया जाएगा। ये काम सिर्फ बीजेपी का है, हम सभी वर्गों को, सभी पार्टियों को साथ लेके चलते हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो साथ लेकर चलते विपक्ष के नेताओं को 2017 में सपा के साथ नहीं है, विदेशों में भेजा है, साथ तो कोई भी किसी हमेशा विपक्ष को खोटने का काम किया है। ठीक है विपिन जी कुछ कहना है? देखिए ऐसा है, शर्मा जी ने बात बोली बिल्कुल अच्छी बात है, इनका आत्मविश्वास, जोश देखकर एक उम्मीद बनती है कि ये नई सुबह का आगाज होना चाहिए कि जब कांग्रेस पार्टी दमखम से उतरे। आप लोग प्रयास कर रहे हैं, वो अपनी बात बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुद्दा ये है, मैं वो बोलूंगा फिर मैं अपने इस उत्तर प्रदेश के चुनावों पे आएंगे। देखिए ऐसा है कि जनता का जनादेश जो होता है उसको आपको सर्वोपरि मानना पड़ता है, सर माथे लेना पड़ता है। आपने बात करी 2014 के पहले ऐसे सपने दिखाए गए मुंगेरी लाल के, ये कर देंगे 15 लाख, तो बात समझ आती है। एक 1983 का जब हमने वर्ल्ड कप जीता था, कपिल देव की टीम ने
तो एक अंग्रेजी का शब्द हमने सीख लिया, फ्लूक, तुक्का, लेकिन उसके बाद भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा, कंसिस्टेंट रहा। तो आप एक बात मान के चलिए कि अगर 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने और आपके कहने के अनुसार की एक जुमलेबाजी थी या एक हसीन सपने दिखाए गए मुंगेरी लाल के, तो क्या कारण था कि 2019 में पहले के मुकाबले और बड़ा प्रचंड बहुमत मिला? तो कोई जनता के आप जनादेश को कम नहीं हाँक सकते? विपिन जी, विपिन जी, आज इस तरह से सोशल मीडिया पर, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडियों पे और मीडिया पे जो कब्जा सरकार के द्वारा किया गया है, इसका ये फायदा उठाते हैं लोगों को। संजीव चौधरी साहब कह रहे हैं कि मैं बोलना चाहता हूं, संजीव जी आप पर आ रहा हूं। दूसरी बात, यही बात, एक मिनट, यही बात हम अरविंद केजरीवाल के बारे में बोलेंगे। अरविंद केजरीवाल 2015 का चुनाव जीते, अच्छा उसमें भी क्या हुआ था कि वो भी उनको मिला, तब भी बोला गया, सबने उनपे धावा बोला, चाहे कांग्रेस चाहे भाजपा, कि ये कमी पेशी को भी था। वो अलग बात है कि कांग्रेस ने फिर समर्थन दिया और वो सरकार बना पाए अरविंद केजरीवाल। तो पहले आपस में विचारधारा अलग थी, बिल्कुल एक दूसरे को, एक दूसरे की निंदा करते थे। और वही 2020 में अगर दोबारा प्रचंड बहुमत मिला अरविंद केजरीवाल की पार्टी, आम आदमी पार्टी को, तो कोई ना कोई तो कारण होगा। बहरहाल अब हम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। देखिए, सातवें चरण में जो देखने को मिल रहे हैं दृश्य की चुनावी रैलियां भी हो रही हैं, और उसका उससे साफ साबित होता है कि कोई भी राजनीतिक दल, खासतौर पर भाजपा और सपा, टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले रहे। वो ये नहीं बैठ के समझे, भले ही वो बोलने के लिए बॉडी लैंग्वेज ये दिखा रहे हैं कि हमने बिल्कुल बाजी मार ली है, चौथे चरण में ही हमने बिल्कुल स्पष्ट बहुमत मिल रहा है, हमारे को मेजोरिटी मिल रही है, ऐसा नहीं है। ना भाजपा की ये बात है और ना ये बात सपा पे लागू होती है, मतलब चुनाव फंसा हुआ है, कांटे की टक्कर। मैच में आखिरी गेंद तक कुछ भी आप कह नहीं सकते। जैसे क्रिकेट को कहते हैं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज, उसी तरह से यहाँ पर भी सबको पता है सातवें चरण तो क्या, आपको आखिरी सीट तक आपको जो अपना पूरा प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता कि आप जनता को टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते, आपको अपने प्रयास करने पड़ेंगे। यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री भी चुनावी मैदान में दिखे, अंत तक दिखे, आखिरी चरण के लिए भी वो दिखे पूरे और दमखम से। ये हर पे बात लागू होती है। इससे साफ आप स्थिति का जायजा ले सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि कुछ भी अभी स्पष्ट नहीं है। जब तक और यहां तक मैं ये भी बोलना चाहूंगा, कल आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग चुनाव पॉलिटिकल पंडित्स अपने वो आंकड़े सामने रखेंगे, सार्वजनिक करेंगे, बोलेंगे ये एग्जिट पोल के नतीजे आ रहे हैं, इसको स्पष्ट बहुमत मिल रहा है इस राजनीतिक दल को, लेकिन तस्वीर साफ होगी 10 मार्च को। ठीक है, सुबह से धुंधली तस्वीर से धुंध हटाने का काम हम भी करेंगे। चलिए ठीक है, संजीव चौधरी साहब जी, देखिए सबसे पहले तो हमारे बड़े भाई विपिन जी जो बोल रहे थे कि मोदी जी 2014 में जीत गए, 17 में जीत गए, 19 में जीत गए, मैं उनका जवाब दे दूं। 2017 में जब मोदी जी, 2014 से पहले जो मोदी जी ने अपना चेहरा बना लिया था, वो हिंदुत्व का चेहरा बना लिया था कि मुसलमानों को फांसी पे चढ़ा देंगे, जो गोधरा कांड करके ये आए थे, तो देश को एक ये तस्वीर दिखाई गई कि ये पूरे देश के मुसलमानों को भगा देंगे, केवल हिंदू राष्ट्र बना देंगे। 2014 में हिंदू मुसलमान से चुनाव जीता, 2017 में हिंदू मुसलमान से चुनाव जीता, मंदिर मस्जिद से जीता, और 2019 में मंदिर और मस्जिद और हिंदू और मुसलमान, इससे अलावा कोई नहीं। लेकिन 2022 में भी जीत जाएंगे। आज का जो चुनाव हुआ है ये हिंदू मुसलमान से ऊपर उठ के, मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के, ये विकास के लिए, रोजगार के लिए, किसानों की खुशहाली के लिए और भाईचारा, अच्छा है, बड़ी ठीक है, चलिए ठीक है, बड़ी दिलचस्प बात है, हिंदुस्तान में भाईचारा बनाने के लिए हुआ, ठीक है, चलिए बड़ी दिलचस्प बात है, ठीक है, आप समय इजाजत नहीं दे रहा है इसलिए ठीक है। विद्या सीख के आए थे, उनके झांसे में हिंदुस्तान नहीं आने वाला, ठीक है। अब जैसे कि संजीव चौधरी साहब समय इजाजत नहीं दे रहा, ठीक है, बड़ी दिलचस्प चीज है संजीव जी, कि संजीव जी ने कहा कि 2014 में इसलिए जीते, 2017 में इसलिए जीते, 2019 में इसलिए जीते और 2022 में नहीं जीतेंगे, और मुझे पता है 2024 में भी अगर हम डिबेट करेंगे तब भी संजीव चौधरी साहब ऐसी कोई बात करेंगे कि इसलिए जीते, इसलिए नहीं जीते, लेकिन अब नहीं जीतेंगे। तो अब ना तो मैं आप पे FIR करा दूंगा, ना या कोई और करा देगा, ना भदौरिया साहब करवा देंगे, तो आप जो बोले वो बढ़िया, जो बोले आप वो बढ़िया, ऐसे ही भूदेव साहब जो बोले वो बढ़िया और भदौरिया साहब जो बोले वो बढ़िया, लेकिन जनता का क्या है विपिन सर, हम जब उत्तर प्रदेश घूम रहे थे तो अलग अलग है, जैसे कोई पिंकी है, पिंकी कुमारी हमें कोई मिली थी, ठीक है, हापुड़ में मान लीजिए, तो वो कह रही थी कि नहीं पिंक स्कूटी देंगी प्रियंका गांधी जी, तो हमें तो पिंक स्कूटी चाहिए,
ठीक है, ऐसी एक मनीषा तिवारी हमें मिली थी भोगांव में, फरखाबाद में पड़ती है ये जगह, वो बोली कि नहीं भैया, मोदी जी तो हमें, योगी जी तो हमें फ्री राशन दे रहे हैं, हमें तो फ्री राशन चाहिए। ठीक है, तो ऐसे ही और एक हमें मिले थे बबलू यादव साहब, वो बोले कि भैया ठेका देती है समाजवादी पार्टी हमें, तो हम तो ठेकेदारी करते, तो हमें तो मिलेगा ठेका, तो भैया अंगूठा भी वहीं जाएगा। और एक और हमें मिले, बड़ी दिलचस्प बात बताता हूँ आपको, एक और हमें मिले, जब मैं वापस आ रहा था गंज डुंडवारा में, गंज डुंडवारा से आ रहा था वापस, तो बस में एक व्यक्ति मिले, उन्होंने कहा कि देखो भैया, चाहे चौधरी साहब हों, पार्टियों को पार्टी की बात कर रहा हूँ, चाहे चौधरी साहब हों, चाहे भूदेव साहब हों, चाहे भदौरिया साहब हों, ये तीनों भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ और विपिन जी आप भी जानते हैं कि पार्टियाँ आती जाती रहती हैं, आखिरी जो व्यक्ति है उसके साथ वही सुलूक होगा जो होता रहेगा। जब तक वो थाने नहीं गया उसका जीवन ठीक है, एक बार थाने चला जाएगा पता लग जाएगा कि क्या है, और दाल रोटी उसकी वही चलेगी। फर्क बदलता है सिर्फ ठेकेदारों के बीच, कि अभी मान लीजिए कि किसी ठाकुर या ब्राह्मण को ठेके बट रहे हैं, तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा होगा यादवों को बट जाएंगे, मुसलमानों को बट जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा किसी और जात धर्म के लोगों को बट जाएंगे। तो ठेकेदारों की जो चीज़ें हैं वो बदलती हैं, ठेकेदारों के नाम बदलते हैं, और ब्यूरोक्रेसी का क्या है, ब्यूरोक्रेसी तो आज इधर कल उधर परसों उधर, ये भी चीज़ें सामान्यतः एक साथ ही रहती है। और प्रशासन की अगर बात करें, प्रशासन चलाने में आज तक, विपिन जी मैं बड़ा कायल हूँ कि जब मायावती जी के बारे में पढ़ता हूँ, तो 2007 में जब मायावती जी आई थी, तब बच्चा बच्चा, एक एक आदमी ठेकेदार से लेकर बच्चा बच्चा, सब बहुत खुश थे कि मायावती जी आई हैं, एक ऐसी महिला आई है जो सब पलट कर रखेगी, सब पलट कर रखेगी। पता चले वो एक खबर थी कि बांदा में वो शाम को 6:30 बजे अस्पताल पहुंच गई, बोली डॉक्टर कहाँ है, अब सब भागम दौड़ सब भाग रहे हैं। तो मायावती जी ने तो बहुत कुछ पलटने की सब कुछ कोशिश की। और कल्याण सिंह साहब जब आए थे, तब चौधरी साहब आप सुनिएगा, आपके लिए है, कल्याण सिंह साहब जब उनकी सरकार थी तब 19% रिजल्ट गया था 10th क्लास का, 19%। और आपकी जब सरकार थी तब ऐसी ऐसी खबरें आती थी कि खिड़कियां क्या, दरवाजे क्या, क्या मास्टर बाहर कि स्टूडेंट अंदर, और कहां कहां कॉलेज खुले, कहां कहां नहीं खुले, ये सब भी सबने देखा। ठीक है ना सर। और ऐसा ही भदौरिया साहब की बात बता दूं, लोग बताते, जो लोग कह रहे हैं मैं वही बात कर रहा हूं। भदौरिया साहब, आप जब कहते हैं कि बुलडोजर यहां चला वहां चला, आपने कभी ये नहीं बताया कि बुलडोजर पर जो ड्राइवर है वो ठीक है कि नहीं है। बुलडोजर चलते चलते कहीं किसी प्रवीण तिवारी को कहीं मार दिया गोली, कहीं किसी को होटल से निकाल के वहां मार दिया किसी को, ये नहीं बताते कभी आप कि मारते मारते इतना मार दिया कि बेचारा जो जिसकी कोई गलती नहीं उसको भी मार दिया, लपेटा तो इतना लपेटा कि क्या लपेटा, कभी आप ये नहीं बताते सर, कभी नहीं बताते सर। और भूदेव शर्मा साहब, आपकी पार्टी पर, आप तो सबसे पहले जब योगी जी जब सरकार में आए थे तब बताया जाता है कि उन्होंने छिड़काव करवाया था शुद्धि के लिए। सबसे पहले तो भूदेव जी एक ताई हैं, मुझे मिली थी हापुड़ में, उन्होंने कहा कि जब भी आपसे कांग्रेस के कोई मिले तो उनसे कहिएगा छिड़काव करा लें, आप तो छिड़काव कराइए सबसे पहले। आप आए कैंपेन लेकर आए, बढ़िया बस्ता एकदम बढ़िया पोस्टर वोस्टर छपवाए, पीछे पोस्टर लगवाए, बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और पोस्टर में जितनी लड़कियां थी, आज वो कोई इधर है कोई उधर है कोई उधर है कोई उधर है, एक लड़की नहीं पोस्टर वाली बची, बकायदा दोबारा वो पोस्टर लगवा लें, लगवा ही नहीं सकते आप, सब पोस्टर वाली चली गई इधर के उधर। तो भूदेव शर्मा साहब आप छिड़काव कराइए, और संजीव चौधरी साहब आप और आपकी पार्टी के जितने लोग हैं, एक एड्रेनलिन रश करके बात होती है या डोपामाइन रिलीज होता है, इतना ज्यादा डोपामाइन रिलीज हो गया है, इतना ज्यादा रिलीज हो गया है कि पार्टी कार्यकर्ता मान ही नहीं रहे। वीडियो आ रही है भाई साहब, वीडियो आ रही है कि डंडा लेकर पुलिस के ऊपर ही चढ़ बैठे। एक वो भाई साहब हैं आपकी पार्टी के, अंसारी साहब के बेटे हैं, वो कह रहे हैं कि 6 महीने तक कोई बदलने नहीं देंगे, 6 महीने तक एक एक अधिकारी यही रहेगा। अब मैंने अधिकारी को फोन किया तो अधिकारी कह रहा है अरे कुछ ना होना इनसे। अब बताइए, तो चौधरी साहब थोड़ा सा, मैं वही तो कह रहा हूं कि आप इतना ज्यादा उत्साहित हो चुके हैं, डोपामिन इतना रिलीज कर दिया है कि लड्डू मिठाई बर्फी सब अगर आसपास हर जगह आप बुक कर चुके हैं, बैंड बाजे की राजा बैंड बाजे के पास बुकिंग करवा दी है। तो मैं वही कह रहा हूं, थोड़ा धैर्य रखिए 10 मार्च को नतीजों को, क्योंकि अच्छी बात है आप जीते, भदौरिया साहब कोई भी जीते, सबको शुभकामनाएं हैं, ऊंची महली दीवारों से हमारा क्या लेना देना भाई, कोई आए जाए हमारा क्या लेना देना, आती जाती सरकारों से हमारा क्या लेना देना। लेकिन चौधरी साहब ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा धैर्य रखिए, 10 मार्च को हम भी होंगे, आप भी होंगे, भदौरिया साहब भी होंगे, शाम तक धीरे धीरे जैसे धुंध हट जाएगी तब इतनी चुटकी लीजिएगा
और अगर आप जीत जाए तो मैं कह रहा हूं कागज की वो बनाकर, उसको क्या बोलते हैं, हवाई जहाज बनाकर उड़ाइएगा और कहिएगा जी ले भदौरिया साहब के ऊपर गिरेगा ये, जो करना हो वो करिएगा, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए। अभी तो आप बस आते हैं कि मजमा लूट ले सब कुछ, सब हो गया, बड़ी जल्दी है साहब। चलिए ठीक है, और भूदेव शर्मा साहब आपको छिड़काव वाला जो आज मैंने एडवाइस दे दिया है उसको रख लीजिएगा चुपचाप, क्योंकि ताई जी ने भेजी है हापुड़ से आपके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो आज जो बातचीत कर रहे थे हम, वो यही कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश के चुनावों में जो आखिरी चरण है, जो सातवें राउंड की जो वोटिंग होने जा रही है, ये चरण आखिर क्या तय करेगा। 2007-2012 अगर इन दो चुनावों को देखते हैं तो चुनाव आखिरी तक खिंचा था, लेकिन 2017 में कुछ ऐसा अमेजिंग हुआ, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग हुआ कि चुनाव पांचवें चरण में ही फिक्स हो गया, ताला पे चाबी लग गई और जो कुंडी थी उस पर भी ताला लग गया। लेकिन क्या ऐसा एक बार फिर 2022 में देखने को मिलेगा, इसी सवाल पर जो बवाल है, उसी बवाल पर आज हमने नेताओं से सवाल किए और जवाब आपने खुद सुने। फिलहाल के लिए इतना ही, शुक्रिया।